नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो एक छोटे से वाद्य यंत्र के बारे में है जिसे हम भारत में माउथार्गन के नाम से जानते हैं। विदेशों में जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में इसे हारमोनिका के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे बड़ी आसानी से अपने जेब में रखकर हम एक जगह से अपनी बैग में अपनी जेब में रखकर एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं और इसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि अगर हम अच्छे से इसे बजाना सीख सकें तो इसकी धुनों से हम किसी भी महफिल में चार चांद लगा सकते हैं। इसको किताबों के ज़रिए तो सीखना बहुत ही मुश्किल होता है और इसे सीखने के लिए सुरों का ज्ञान, यानी कि आपके कानों में सुरों को समझने की थोड़ी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके लिए आजकल तो YouTube जैसे माध्यम मौजूद हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे कलाकारों ने अपने अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और उनको देखकर सुनकर हम थोड़ी बहुत टेक्निक्स भी समझ सकते हैं, लेकिन मेहनत का तो कोई विकल्प है नहीं। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो सुरों का ज्ञान जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले किसी भी वाद्य को सीखने के लिए हमें स्वर ज्ञान यानी संगीत के नोटेशंस, संगीत के सुरों का थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूरी है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। भारतीय संगीत में हम जानते हैं कि सात स्वर, सात सुरों की माला होती है, सा रे ग म प ध नी और सा, यानी कि दोबारा से सा फिर से आ जाता है, रिपीट होता है। तो इन सभी को मिला के एक सप्तक की रचना होती है और इसे इंग्लिश में ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश के स्वरों को सी डी ई एफ जी ए बी उनके नाम से डिनोट करते हैं। अब इन सात स्वरों का जो सप्तक होता है, इसके अलग अलग स्वर जो हैं वो फिर से आगे रिपीट होते हैं, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी के, डबल फ्रीक्वेंसी के या उससे कम फ्रीक्वेंसी के स्वर रिपीट होते हैं और उसे हम हायर ऑक्टेव या लोअर ऑक्टेव कहते हैं, यानी कि जो बीच का नॉर्मल सप्तक है उसे मध्य सप्तक कहते हैं, यानी कि मिडिल ऑक्टेव, और उसके ऊपर के स्वर जो होते हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसी के स्वर होते हैं, उन्हें हम तार सप्तक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे हायर ऑक्टेव कहते हैं। उसी तरह जब मध्य सप्तक के स्वरों से नीचे के स्वर आते हैं तो उस सप्तक के स्वरों को हिंदी में मंद्र सप्तक कहते हैं और इंग्लिश में, इंग्लिश नोटेशंस में उसे लोअर ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। अब सात स्वरों के साथ साथ बीच में कुछ स्वर और होते हैं जिन्हें, जैसे सा और रे, ये दोनों में एक फुल नोट का डिफरेंस माना जाता है, लेकिन इसके बीच में एक स्वर और आता है जिसे हम हिंदी में कोमल रे कहते हैं, यानी रे के पहले एक कोमल रे होता है, उसी तरह ग के पहले कोमल ग होता है, फिर म जो है वो स्वर उसके पहले का स्वर नहीं होता, म के बाद, यानी कि म और प के बीच एक स्वर होता है जिसे तीव्र म कहते हैं, और सा और प इनको हम अचल स्वर कहते हैं, यानी कि इनमें कोई कोमल या तीव्र स्वर नहीं होता, सा हमेशा सा होता है, प हमेशा प होता है, अचल स्वर है ये। उसके बाद आता है ध, प के बाद ध के साथ पहले होता है, प और ध के बीच में कोमल ध,
फिर धा और नी के बीच में कोमल नी, और नी के बाद ऊपर के सप्तक यानी कि तार सप्तक का सा फिर से आता है, और फिर यही क्रम आगे चलता है या पीछे भी यही क्रम होता है। तो ये हमने देखा कि सात मूल स्वर हैं जिनमें सा और प तो अचल स्वर हैं, लेकिन बाकी पांच स्वर जो हैं रे ग म ध और नी, इनमें से रे और ग ध और नी का एक एक कोमल स्वर होता है जो उन स्वरों से हाफ नोट पहले आता है, और म का म के साथ तीव्र म होता है जो म और प के बीच में होता है। तो ये सात और पांच मिलाकर कुल 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं जिन्हें हम शुद्ध स्वर और बाकी कोमल और तीव्र स्वरों के बीच से जानते हैं। तो ये एक सप्तक की बात हो गई। तो ये सात स्वरों का ज्ञान यानी कि 12 स्वरों का ज्ञान, इन्हीं के साथ हर गाना हर धुन बनती है। अब जहाँ तक सवाल होता है कि एक गाना क्या एक सप्तक में ही होता है, नहीं, जनरली एक गायक या कोई भी गाना एक मध्य सप्तक के साथ कुछ स्वर इसके नीचे के सप्तक में भी आते हैं यानी मंद्र सप्तक में आते हैं, और कुछ स्वर ऊपर के तार सप्तक में आते हैं। तो करीब करीब 2 ऑक्टेव या 2 से 2.5 ऑक्टेव एक नॉर्मल गाना कवर करता है। बहुत ही कम गाने ऐसे होते हैं जो कि एक ही मध्य सप्तक के बीच में होते हैं। तो इतना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन स्वरों को सुनकर उन स्वरों को अपने कान में समझ लेना, कान से सुनकर हमें समझ आए कि सा रे ग कौन सा स्वर है, कैसे इसे बजाना है, ये सब जानना एक बहुत ही ज़रूरी है, और ये रियाज के साथ ही आएगा। अब अगर हम पियानो की बात करें तो उनमें आपने देखा होगा कि सफ़ेद और काले पर्दे बने होते हैं और उनमें एक फिक्स्ड स्वर निकलता है। जब आप एक सफ़ेद पर्दे को दबाते हैं तो आपको अगर पता है कि ये सा है तो वो सा ही है, सा ही बजेगा। लेकिन माउथ ऑर्गन में अलग अलग तरह की ट्यूनिंग्स होती है, तो वो ट्यूनिंग्स को समझना भी ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।